Hello students good evening how are you all? okay fine everyone is fine good. So today we are here discussing about three words: pupil, people, peoples. Yes so before going this one first of all welcome all of you in Azare azar classes.

नॉट people. क्या बोलते हैं इसको पीपल और थर्ड स्प्रेलिंग इज इस e पी ई ओ पी एल पीपल्स पीपल्स का मतलब हो जाता है पीपल्स मतलब अब इसमें कंफ्यूजिंग क्या रहता है सर इसमें कंफ्यूजिंग ये रहता है कि जो पीपल वर्ड है प्यूपल इसका मतलब तो हो जाता है शिष्य कोई किसी गुरु का शिष्य होता है तो वो उसको हम लोग बोलते हैं पीपल जैसे इसका एग्जाम्पल देखो फर्स्ट जो लिखा हुआ अंडरलाइन करके सदगुरु हैव हाँ पीपल इन अमेरिका सतगुरु के अमेरिका के अंदर पीपल नहीं है तो ऐसा सेंटेंस इसमें हम लोगों ने यूज किया पीपल मतलब शिष्य दूसरा वर्ड है पीपल मतलब लोग अब लोगों को बताया जाता है तो पीपल मत, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन टाउन हु डोंट देयर हाउस मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका अपना खुद का घर नहीं है टाउन में तो इसमें हम लोगों ने क्या यूज़ किया पीपल क्या यूज़ किया पीपल अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस इज य पीपल्स क्या है पीपल्स पीपल्स का मतलब क्या होता है सर पीपल्स का मीनिंग ये होता है कि अलग अलग देशों राज्यों या संस्कृति के जो लोग होते हैं कम्युनिटी के जो लोग हैं उन लोगों के लिए हम लोग पीपल्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्या यूज़ कर सकते हैं पीपल पीपल्स अब जैसे पीपल हैं ये लोग ये भी प्लुरल वर्ड ही है और पीपल्स ये और कैसा प्लुरल बन गया सर ये और प्लुरल वर्ड नहीं बना है ये अलग अलग देशों राज्यों या संस्कृति के लोगों को क्या बताया जाता है कि एक कम्युनिटी के लोगों को बताया जाता है एक देश के अलग अलग देशों के तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं पीपल्स ये बिल्कुल सही वर्ड है कोई इसमें गलत नहीं है बट ये अलग अलग देशों राज्यों या संस्कृति के लोगों को बताया जाता है अब पीपल्स कैसे पीपल्स फ्रॉम यू एस यू के इंडिया एंड स्पेन आर सेटिंग टुगेदर मतलब जो लोग यू के यू एस इंडिया और स्पेन से हैं वो सब लोग सब के सब लोग क्या बैठे हैं बैठे हैं साथ में बैठे हुए हैं तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि ये अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों को बताया जा रहा है इस कारण हम लोग इसमें क्या यूज़ करते हैं पीपल्स का बोल क्या बोलते हैं इसको पीपल्स तो आपको ये आज का लेसन समझ में आया होगा पीपल मतलब शिष्य पीपल मतलब लोग और पीपल्स मतलब अलग अलग देशों या राज्यों के संस्कृति के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं तो तीनों वर्ड एक जैसे लगते हैं बट तीनों का मीनिंग अलग -लग, अलग 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 सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं आई थिंक आज को आज का लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको लेसन समझ में आया तो इसको लाइक करें इस पर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और अगर कोई भी आपकी इंक्वायरी है क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें थैंक यू सो मच फॉर टूडेज क्लास थैंक यू